अगर मैं आपको बोलूं कि आप मोटी से मोटी किताब को सिर्फ अपने हाथ में रख कर बिना उस किताब को खोले उस किताब में लिखा हुआ सब कुछ जान सकते हो, आप सोच रहे होगे ये कैसे हो सकता है। कोई भी इंसान किताब को सिर्फ हाथ में रख कर उसके बारे में सब कुछ कैसे जान सकता है? लेकिन दोस्त, ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है। एक बहुत ही बड़ा उदाहरण हमारे सामने है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी इस असंभव काम को भी संभव करके दिखाए थे। मेमोरी पावर यानी स्मरण शक्ति, यह वह चीज है जिसकी मदद से आप मोटी से मोटी किताबों को बहुत आसानी से अपने दिमाग में हमेशा के लिए याद रख सकते हो और अपने ज्ञान के बल पर हर वह मुकाम हासिल कर सकते हो जो आप हासिल करना चाहते हो। मगर आजकल की दुनिया में लोगों का मेमोरी पावर इतना कमजोर हो गया है कि मम्मी बाजार से दो तीन तो सामान लाने बोल देती है तो लोग आधे रास्ते में भूल जाते हैं। बहुत से लोग यह भी भूल जाते हैं कि उसने आज सुबह को क्या नाश्ता किया था। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको कोई भी चीज हमेशा के लिए याद रहे, यानी आपका मेमोरी पावर बढ़ जाए, तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप ऐसे ऐसे पॉइंट जानोगे जो आपके मेमोरी पावर को 10 गुना ज्यादा बढ़ा देगा। तो आइए जानें, मेमोरी पावर कमजोर होने का कारण है कि मेमोरी पावर का यूज ना करना। कोई मशीन है, उसको आप चलाओगे ही नहीं तो वह खराब तो होगा ही, उसी तरह से अपने मेमोरी पावर का यूज करोगे ही नहीं तो वह कमजोर तो होगा ही। आपका एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी वह होता है जिसमें आप याद किया हुआ उस समय तक याद रख पाते हो। लॉन्ग टर्म मेमोरी, अगर आपने कुछ पढ़ा और यह आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए तो आपको पढ़ा हुआ हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मगर यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर हम पढ़ा हुआ अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी तक कैसे पहुँचा सकते हैं? इसका आंसर आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। आपको अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए मैं जो जो पॉइंट्स बताऊंगा उसे आपको रोज फॉलो करना है। फर्स्ट पॉइंट यह है कि आप अपने मन में बहुत कुछ इमेज बनाकर याद करने की कोशिश करें। आपका जो दिमाग है वह वर्ड से ज्यादा इमेज को याद रखता है। जैसे मैं बोलता हूँ स्वामी विवेकानंद, तो आपके दिमाग में स्वामी विवेकानंद जी का इमेज आया होगा। स्वामी विवेकानंद यह वर्ड नहीं, इसलिए आप हमेशा कुछ ना कुछ चीजों को अपने दिमाग में इमेज बनाकर रख लें। जैसे आप घर से बाहर निकले तो आपको कोई आदमी दिखा तो उसने कौन सी कलर का शर्ट पहना हुआ है उसको मन में इमेजिन करके याद कर लें। फिर आपको किसी का घर दिखा तो उस घर को अपने दिमाग में इमेज बनाकर याद कर लें। ऐसे ही एक दिन में आपको 10 चीजों को याद रखना है। आपने जो 10 चीज देखा उसे 1 घंटे के बाद अपने मन में बोलना है, फिर 5 घंटे के बाद बोलना है, उसके बाद 8 घंटे के बाद, और लास्ट में आपको रात में सोने से पहले आपको इन सभी चीजों को एकदम शुरू से याद करना है। आपने सबसे पहले क्या देखा, फिर उसके बाद क्या देखा, फिर उसके बाद क्या देखा, ऐसे ही करके आपको इन 10ों चीजों को याद करना है। उसके बाद फिर इन 10ों चीजों को उल्टा याद करना है, यानी एकदम लास्ट से शुरू तक याद करना है कि आपने लास्ट में क्या देखा, फिर उससे पहले क्या देखा, फिर उससे पहले क्या देखा, ऐसे ही करते करते लास्ट से शुरू तक याद करना है। पहला दिन तो आप कम से कम 10 चीजों को याद रखें, उसके बाद से आपको 11, फिर 12, ऐसे ही और भी ज्यादा चीजों को अपने मन में इमेज बनाकर याद करने की कोशिश करें। ऐसा करके आप अपना कोई भी बात अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी तक पहुंचा सकते हो। अगर कोई भी बात आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी तक पहुंच जाता है तो वह बात आपको जिंदगी भर याद रहेगी। और इसके साथ साथ आपने सुबह से रात तक क्या क्या किया, इन सभी चीजों को शुरू से लास्ट तक याद करना है, यानी सुबह से लेकर रात तक सभी चीजों को याद करना है। फिर उसके बाद आपको इसे उल्टा याद करना है, यानी आप अभी सोने से पहले क्या कर रहे थे, फिर उससे पहले क्या कर रहे थे, ऐसे ही करते करते आपको रात से सुबह तक के सभी चीजों को याद करना है। शुरू में आपको याद करने में थोड़ा मुश्किल होगा, मगर जैसे जैसे आप
रोज याद करते जाओगे वैसे वैसे आपको सभी चीज अच्छा से याद आता जाएगा। ऐसा करने से आपके दिमाग में एक गजब का प्रभाव पड़ेगा जिससे आपकी कुछ भी याद करने की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। और सेकंड पॉइंट यह है कि आपको एक दिन में कम से कम 2 फोन नंबर को याद करना है। हर रोज आपको 2 फोन नंबर को याद करना है। ऐसा करने से आपके दिमाग को कोई भी चीज याद करने की एक आदत सी बन जाएगी जिसे आप कभी अगर नंबर याद नहीं करोगे तो आपका दिमाग आपको याद करने के लिए बोलेगा। आजकल सभी लोग फोन नंबर को अपने फोन में सेव कर लेते हैं, मगर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सभी नंबर को अपने मन में याद करना है। आपको रोज 2 फोन नंबर को याद करना है। जैसा कि आपने जाना कि 1 घंटे के बाद बोलना है, फिर 5 घंटे के बाद, फिर 8 घंटे के बाद और आखिरी में सोने से पहले, ऐसे ही आपको इन दोनों फोन नंबर को बोलना है। ऐसा करने से यह फोन नंबर भी आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। कोई भी बात जब आप बार बार बोलते हो ना तो वह बात आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। और लास्ट आखिरी पॉइंट, यह पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपने दिमाग को शांत करना है। आपके दिमाग में जो बड़बड़ चलता रहता है उसे शांत करना है। यानी आपको सब कुछ देखना तो है मगर अपने मन में कुछ बोलना नहीं है। इसके लिए आप रोज मेडिटेशन करें। जैसा कि मैंने अपने कई वीडियो में बताया है कि मेडिटेशन एक अमृत है। मेडिटेशन आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप रोज कम से कम 15 मिनट मेडिटेशन करते हो तो आपका मेमोरी पावर इतना इंक्रीज हो जाएगा कि पूछो ही मत। एक और जरूरी बात, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, जितने भी आज सक्सेसफुल इंसान बने हैं वो अपने दिमाग के बल पर ही बने हैं। अगर आप भी चाहते हो अपने दिमाग के बल पर हर वह मुकाम हासिल करना तो जो पॉइंट्स आज मैंने बताया उसे आपको रोज फॉलो करना है। बस रुकना मत, 2 या 3 दिन करके छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। जो इंसान कोई भी काम में कंसिस्टेंसी बनाए रखता है, यानी कोई भी काम को वह करते जाता है, तो वह इंसान स्वामी विवेकानंद, अल्बर्ट आइंस्टाइन और बिल गेट्स बनता है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना नहीं चाहते हो तो मत करना कुछ भी, मगर आपके अंदर वह जुनून है तो ज्ञान को लेने के साथ साथ उसे अपनी जिंदगी में उतारना भी सीखे। आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, सभी में शेयर करें, जिससे सभी को ज्ञान मिले और वह भी अपनी जिंदगी में एक सक्सेसफुल इंसान बन पाए। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, और हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहने के लिए द अमेजिंग नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा एक ही मकसद है, आपको अज्ञान के अंधेरे से निकाल ज्ञान के उजाले की ओर ले जाना।